तो हुंकारा से आप लोग क्या समझते हो? थोड़ा सा इंटरेक्शन करेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगी अपने वर्जन्स, ठीक है? पहले मैं आप लोगों के जानना चाहती हूँ, बताएं हुंकारा शब्द से आप क्या समझते हैं? हेलो मैम, हुंकारा कमिंग फ्रॉम हुम, हुम शब्द व्हिच इज फ्रॉम माँ काली, माँ काली, बीज मंत्र माँ काली, हुम है ना, और हुंकारा क्या हुआ? हुंकारा मतलब उसका जो मतलब एक वाइब्रेशन, जो उसका जो बीज मंत्र का जो साउंड है हुंकारा। ओके किसी भी चीज की हुंकार भरना, दैट इज हुंकारा। जब काली माता चल, जब वो अपने उस रौद्र रूप में जब वो चली तो आवाज कैसी थी? जिससे सब दहल गए थे, है ना? वो जो आवाज उनके अंदर से, जो चलने से उनके, जो हवा कट रही थी, जो एक, और उनके अंदर से भी एक आवाज आ रही थी हुंकारा, तो उसको हुंकार भरना कहते हैं ना, एक हुंकार भरना। तो वो हुम की जो आवाज है, जैसे मानिक जी ने सही बोला कि वो बीज मंत्र है काली माता का, तो हुंकारा जो है वो रिप्रेजेंट करता है काली माता को, ठीक है? अब है हलीम, आप उसको हलीम बोल सकते हैं, हलीम बोल सकते हैं, ठीक है? कोई भी वर्जन में आप उसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। वो है बगला मुखी माता का बीज मंत्र, ठीक है? अब बगला मुखी माता और काली माता की हम क्यों कर रहे हैं, ये जो हीलिंग्स हैं ये इस टाइप की क्यों बनी है? तो उसके लिए सबसे पहले मुझे आपको एक चीज और बतानी पड़ेगी, आप में से बहुत लोग तो हो सकता है जानते भी हो। हमारे वेदों में, हमारी वैदिक पद्धति में, सनातनियों में 10 महादेवियों का जिक्र आता है, सुना है आप लोगों ने? 10 महादेवियां, क्या किसी को याद है या कोई बता सकता है? महा सरस्वती, महाकाली, महा मतलब आत्मा नमस्ते मैडम, सॉरी मैम। आत्मा नमस्ते दीपक जी, आपको तो देखने की जरूरत नहीं, आवाज से पहचान गई मैं आपको। अच्छा, क्योंकि ना वो मैं ऑफिस की मीटिंग में था। नहीं नहीं कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। हाँ जी चलिए मैं आपको बता देती हूँ, आप लोग सब स्क्रीन देख सकते हैं, ठीक है? तो हमारी जो महा, ये प्लीज आप लोग म्यूट कर लें अपने आप को, जिनके भी माइक खुले हैं प्लीज म्यूट कर लीजिए, बैकग्राउंड नॉइज आती है ना तो थोड़ा डिस्टरबेंस होता है क्लास में। हाँ जी, आप देख पा रहे हैं 10 महाविद्याओं को, भुवनेश्वरी, भैरवी, चिन्नमस्ता। हाँ जी बिल्कुल वही है, मैंने दिया है विद पिक्चर दिया है। पहले, सबसे पहले काली माता है, तारा माता है, त्रिपुरा सुंदरी है, भुवनेश्वरी है, चिन्नमस्त माता है, भैरवी है, धूमावती है, बगला मुखी है, मातंगी है और कमला है। कमला मतलब लक्ष्मी, ठीक है? अब अगर आप इन सभी देवियों को देखेंगे तो जो बगला मुखी माता है और काली माता है, ये दो ऐसी माता है जिनको, जो सहार कर रही है, बाकी सबके हाथ में भले ही वज्र हो चाहे तलवार हो लेकिन वो सहार नहीं कर रही है। जैसे भैरवी जो है, आप उनको देखेंगे उन्होंने खुद अपना ही सिर काटा हुआ है बट उन्होंने किसी और का नहीं करा हुआ है, ठीक है? बगला मुखी माता और काली माता की अगर आप फोटो को, आप जूम कर सकते हो अपने मोबाइल या लैपटॉप में तो आप जूम करके देखें, नहीं तो मैं उसको एक मिनट फुल स्क्रीन पे देती हूँ, जस्ट लुक एट इट, पिक्चर्स को देखिएगा ध्यान से, आपको बड़ा दिख रहा है? अगर आप काली माता को ध्यान से देखेंगे तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने महिषासुर का वध किया था। थोड़ा अनम्यूट भी करके बोल सकते हैं, बीच बीच में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही म्यूटेड रहे सब।
बगलामुखी माता ने भी सहार किया है नेगेटिविटी, राक्षस, दानव, तो हम इन दोनों की ही हुंकारा विद हलीम में इन्हीं की हीलिंग्स, इन्हीं के सिंबल सीखेंगे। क्लियर है? एटलीस्ट थम्स अप से आप कुछ हाथ वात दिखा दो भाई, मुझे लगे कि हाँ सुन रहे हैं सब, नहीं तो यस मैम। हाँ जी, माँ काली का फोटो है सामने, आप इससे क्या समझेंगे? काली माता का जो फोटो होता है ना इन जनरल, तो लोग डर भी जाते हैं कि भैया माँ काली की उपासना करने वाले तो भैया तांत्रिक होते हैं, है ये लोगों के दिमाग में ये बात? आप लोग हुंकारा करोगे आप भी माँ काली के उपासक बन जाओगे, फिर आप बताना आप तांत्रिक बने या नहीं बने। वो माँ है ना, माँ कभी गलत रास्ता नहीं दिखाती, ठीक है? आप उनको देखो, आप उनका चेहरा देखो, आपको प्यार और ममता नहीं दिखती उसमें? ब्यूटीफुल, एक एक जो उनका वो है, किस तरह से उन्होंने सब चीजें अपने ऊपर वर रखी हैं, तो हर एक चीज का एक मतलब है। मैं काली माता का सबसे पहले इसलिए ले रही हूं क्योंकि बहुत सारे मिथ्स हैं काली माँ के लिए। लोग सोचते हैं कि भैया वो तांत्रिकों की माँ है, वो जितने भी ये तंत्र मंत्र होते हैं या जादू टोने टोने टोटके जो भी होते हैं, ये सब इन्हीं की देन है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना? हर एक चीज का उनका एक मतलब है। उनकी आंखें इस तरह की क्यों है, उनकी जीभ बाहर क्यों है, लाल रंग की क्यों है, उनका रंग क्यों है ऐसा, उन्होंने गले में मुंड माला क्यों पहनी है, हाथ में कटोरा क्यों है, सिर क्यों है, तलवार क्यों है, जिसको वो बोलते ना काटने, सिर काटने वाला जो है, त्रिशूल है, शंकर भगवान नीचे है, शंकर भगवान है। और अगर आप एक चीज, चलिए मैं आपको यहाँ पर एक और मिथ बताती हूँ, अभी दुर्गा वो आ रहा है ना, चैत्र दुर्गा आ रही है ना, नवरात्रि कब से है? 18 तारीख से, 22 तारीख से, नहीं 22 से जो नवरात्रि आएंगी ना, उसमें काली माता का भी फोटो होता है, आप लोगों ने देखा होगा, है ना? और जब जो पंडाल लगते हैं, जनरली दुर्गा पंडाल जो लगते हैं, वहां जाके आप देखिएगा कि उनके पैर के नीचे कौन लेटा है। मैं यहाँ बता दूंगी तो मजा नहीं है, महादेव नहीं, आप जाके देखिएगा, तब आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि काली माता क्या है और क्यों उनका ऐसा रूप है। ये रूप बहुत अलग है जो हम देख रहे हैं टीवी अभी यहाँ पर स्क्रीन पर, और वो जो रूप होता है ना, जो नव दुर्गा में होता है, जो दुर्गा का होता है, वो कौन उनके पैर के नीचे लेटा है वो भी आप देखिएगा। अभी आप लोगों का एक मान ले होमवर्क जैसा ही हो गया, राइट? है ना? तो काली माता का एक थोड़ा सा मैं आपको बस एक रूप बताना चाह रही थी, इसमें महादेव है ये ध्यान रखिएगा, उसमें महादेव नहीं होते हैं कभी भी। मैं आपको थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करती हूँ पहले। माँ बगलामुखी, माँ बगलामुखी को बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र से जोड़ा जाता है, ये बहुत स्ट्रांग देवी है सहार करने के लिए, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी अगर कोई एंटिटीज आती है या कुछ ब्लैक मैजिक होता है तो उसको हटाने में ये बहुत हेल्पफुल है, ठीक है? इनको अगर आप देखोगे तो ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी आदमी पे बैठी हुई है उसके पेट पर, जबकि इनका जो वाहन है वो बगुला है, जो सफेद रंग का जो होता है ना बगुला, वो इनका वाहन है, ठीक है? इनका जो कलर है वो येल्लो है, जैसे काली माता का काला रंग है, इनका पीला रंग है, ओके? और येल्लो कलर को हम हीलिंग कलर भी बोलते हैं, राइट? है ना? इनका रंग है पीला, और इनका जो बीज मंत्र है वो है लीम। मुझे कई लोगों ने मैसेज डाला जब मैं हुंकारा विद हलीम की क्लासेस और वो सब करती हूँ कि हलीम तो उर्दू शब्द है ना, हलीम बोलते हैं तो हलीम तो जैसे ऐसा लगता है उर्दू है, ये लिया उर्दू से ही है, उर्दू लैंग्वेज से हलीम लिया है, बोलते बोलते जैसे अभ्रंश हो जाते हैं ना, बोलते बोलते शब्दों के अभ्रंश हो जाते हैं,
और एक्चुअल में इसको हलीम बोलते हैं, ए हटा दीजिए, एच एल डबल ई एम, ओके, सो दैट इज हलीम, हलीम भी बोल सकते हैं, बोलेंगे तो कुछ गलत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये उर्दू से ही लिया है, हलीम वर्ड वहीं से लिया है, उसी लैंग्वेज से लिया, मतलब यही है कि जो भी बुराइयां हैं उसको हटाना है, ठीक है।